फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मिनी स्टिच। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए इतना खास वीडियो लेकर के आई हूँ कि जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो आप हज़ारों रुपए देकर के भी किसी शॉपिंग ऐप से नहीं ख़रीद सकते हैं, जैसे अमेजन है या फिर मीशो है या फिर कोई और है। तो इतना खास चीज़ आज मैं बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ट्रांसपेरेंट शीट मैंने ली है, इसको चारों तरफ से कट करके स्ट्रेट कर लिया। अब इसको एक बार फोल्ड करेंगे, फोल्ड कर लेने के बाद में हम इसकी लेंथ मार्किंग करेंगे। ये 27 इंच लेंथ पे मैंने मार्किंग किया है, यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा को कट करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड कर लेने के बाद में जो ये कॉर्नर है इस साइड में 2.5 इंच का हम राउंड देंगे और राउंड दे करके कॉर्नर को कट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार के ओवल शेप में ये सीट जो है रेडी हो जाएगी। हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, इसमें पूरे सर्कल में हमको 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेना। उसके बाद हमको चाहिए एक डबल साइडेड टेप, और जो मार्किंग किया उसके अंदर साइड में हम टेप को लगा देंगे और साथ में इसका कवर हटा लेंगे। आप फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही ये वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार का अपना ये वीडियो है। अब जो दूसरा सीट था उसको भी हम रख लेंगे, और उसके ऊपर ये जो कट किया था उसको रखेंगे। सेम शेप में हम इसको भी कट कर लेंगे। तो आज मैं ये दो चीज़ें बनाने वाली हूँ। अब ये दो हिस्सों में है, सिंगल लेंगे तो बहुत ही ये पतला हो जाएगा, तो इसके लिए हम दोनों को एक साथ में सेपरेट कर देंगे। ये डीएस टेप बीच में लगा दिया है, इसका कवर हटाएंगे और इसको अच्छे से सेपरेट कर देंगे। और फ्रेंड्स कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इस प्रकार से अब इसका कवर हटा रहे हैं, सेपरेट हो जाएगा। ये बहुत बारीक वाला था इसलिए इसको डबल करके हमको लेना पड़ा है। यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसमें भी जो मैंने यहाँ मार्किंग किया था 1.5 इंच, तो इसमें हम करेंगे 2 इंच पे डीएस टेप लगा लिया है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे, कुछ इस प्रकार से पूरे को अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से ऊपर से इसको थपथपा के चिपका देंगे। ये लगभग पूरा हो गया है। थोड़ा सा इसमें हम ओपन छोड़ेंगे एक जगह से, उसके बाद लेंगे इलास्टिक, इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे और जितना हमको ये कैप की तरह हो जाएगा इसको रखेंगे। एक्स्ट्रा को कट करके हटा देंगे, नॉट लगाएंगे 2-3 और इसको कुछ इस प्रकार से फैला लेंगे। इसके बाद आपके बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, बारिश का मौसम है, कोई भी साधन से जाते हैं स्कूल के बिल्कुल अंदर तो उतारेगा नहीं वो, तो बैग और बुक्स गीली हो जाती हैं, इसलिए मेरे को ये आइडिया आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी अपने बच्चों के लिए